यस भी नेक्स्ट टॉपिक है मेल्टिंग प्रोसेस क्या होता है। कोई अगर सब्सटेंस अपनी सॉलिड स्टेट को किस फॉर्म में आ जाए, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट के अंदर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेल्टिंग प्रोसेस। या सिंपल पॉइंट के अंदर हम ये बोलते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का प्रेशर बिकेम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, भी बिकेम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट भी। क्या बोलते हैं उसको, मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए, किसी चीज़ को मेल्ट करवाने के लिए भी हमें एक हीट चाहिए। मैंने आपको दो तरह की हीट बताई थी आपको, स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट भी। लेटेंट हीट क्या होती है, लिखिए द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास सब्सटेंस, लेटेंट हीट। कर लोगे? यानी मैं बोल सकता हूँ जितना ज़्यादा मास यूज करोगे उतना ज़्यादा हीट चाहिएगा उसको मेल्ट करवाने के लिए। यस और नो? यानी मैं एक फार्मूले की तरह में लिखूँ तो उसको लिख सकता हूँ कि क्यू हीट प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द सब्सटेंस भी। यस और नो? अगर आपको मेल्ट करवाना हो 1 kg आइस को और 5 kg आइस को, तो हीट ज़्यादा किस में चाहिएगा, 5 kg में चाहिएगा ऑब्वियस है। कर लोगे भी? इस साइन को डालने के लिए क्या डालते हैं, कांस्टेंट डालते हैं, तो Q इज इक्वल टू एल एम, वेयर एल इज, इसको नाम दिया गया है लेटेंट हीट भी, लेटेंट हीट। ठीक है, अगर मैं M का वैल्यू, मास का वैल्यू 1 कर दूं, मैं लिखवाया ना यूनिट मास सब्सटेंस, अगर M का वैल्यू 1 कर दूं तो मैं लिख सकता हूं Q का वैल्यू L के बराबर होगा। यस सर नो? दिस इज द फार्मूला। कर लोगे भी? यानी देखो जो मैंने लिखवाया डेफिनेशन में, देखो क्या लिखवाया डेफिनेशन में, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास सब्सटेंस, इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। जो मैथमेटिकल मैंने वही लिखवाया आपको सारा, कर पाओगे? तो दिस इज द फार्मूला ऑफ लेटेंट हीट, कंप्लीट भी। जब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को मेल्ट करते हैं अभी, उसका वॉल्यूम में कोई खास चेंज नहीं होता अभी। अगर आप 1 liter का आइस जमा रखा है तो 1 liter आप पानी ही उसका लिक्विड फॉर्म में आएगा, कर लोगे? हाँ, कुछ अमाउंट में वेपर हो जाता है, वो नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू कम्प्लीट मास में, चेंज तो होता है लेकिन बहुत स्मॉल भी, तो उसको क्या मानते हैं हम, चेंज ही नहीं होता। तो इस प्रोसेस के दौरान क्या मान सकता हूँ कि वॉल्यूम कांस्टेंट है अभी। यस और नो? तो वी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। अगर वी कांस्टेंट था, डीवी कितना होगा, जीरो। यस और नो? डीवी कितना हुआ, जीरो। चेंज कितना हुआ, चेंज तो कुछ हुआ ही नहीं। यस और नो? और हीट कितना यूज किया गया भाई, डी क्यू कितना, मास एम है, एल क्या है, लेटेंट हीट है, फार्मूला बनता है इसको मेल्ट करवाने के लिए, इट इज डी क्यू। यस और नो? समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या था, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यस और नो? या डी डब्ल्यू क्या ले सकते हैं हम लोग, पी डी वी। यस और नो? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी क्यू, येरा एम एल इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, डी वी कितना है, जीरो। तो लिख सकता हूँ मेरा एम एल बराबर है किसके भाई, डी यू, इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट अभी पॉइंट 6, बॉइलिंग प्रोसेस। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब कोई लिक्विड गैसी स्टेट में आता है। अब बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकेम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ गैस। यस और नो? दिस पॉइंट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। यस और नो? जहाँ पे जिस पॉइंट जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई लिक्विड गैसी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, इट इज कॉल्ड द बॉइलिंग प्रोसेस। लिखिए, लेट
V1 ये क्या है, इनिशियल वॉल्यूम भी। अब लिक्विड के कंपैरिजन में गैस तो बहुत स्पेस वॉल्यूम चेंज करेंगे अपना भी, यस और नो, एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स। V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम, यस और नो। तो चेंज कितना हुआ, dV। ये क्या है, चेंज इन वॉल्यूम भी। चेंज कितना हुआ, क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल भी। तो dV की वैल्यू कितनी आई मेरी, V2 माइनस V1। अब की बार कॉन्स्टेंट नहीं है, कर पाओगे? L क्या है, स्पेलिंग क्या होती है, लेटेंट हीट, किसका भाई, वेपराइजेशन भी। या बॉइलिंग लिख दे इसको, बॉइलिंग का होता है। एल क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लिख दीजिए, वेपर वेपर बनाने है हमको, उसको वेपर फॉर्म में डालना है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी। एम क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस, इसको चेंज करना है, यस और नो। तो कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी मेरे को भी इसको चेंज करने के लिए, dQ इज इक्वल टू, एम एल लिख दूं फार्मूले के अकॉर्डिंग, यस और नो। dQ कितना, ml, अभी किया था हम लोगों ने कुछ देर पहले, dV आ गया, ठीक है। तो लिखो सिंपल है भाई, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ भी। फर्स्ट लॉ क्या था, dQ इज इक्वल टू dU प्लस dW, यस और नो। या dW की जगह क्या लिख सकता हूं, pdV, पता नहीं, dQ इज इक्वल टू dU प्लस pdV, इट इज द फर्स्ट लॉ, ओके। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dQ, ml, टी चेंज होगा, हो सकता है, यस और नो। तो कितना, dU प्लस पी V2 माइनस V1 ले सकता हूँ, इसी आंसर, इसमें कोई जीरो नहीं हो रहा, जरूरी थोड़ी है जीरो ना भी हो भाई, यस और ना। तो ml इज इक्वल टू dU प्लस पी इंटू V2 माइनस V1 भी, सिंपल है, कर पाओगे? अभी स्पेसिफिक हीट क्या था, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास सब्सटेंस अबाउट ए यूनिट डिग्री। एक यूनिट मास सब्सटेंस का टेम्परेचर एक डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत पड़ती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेसिफिक हीट। तो देखो सिंपल सी डेफिनेशन, इस डेफिनेशन से फार्मूला बन रहा है अभी, कितनी हीट की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि क्या करने के लिए भाई, किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसका मास तो कुछ ना कुछ तो होगा, तो जो हीट है वो प्रोपोर्शनल किसके है, मास के, और कितना टेम्परेचर बढ़ाना है उसके भी प्रोपोर्शनल हो सकती है, यस और नो। हीट के दो काम किया जा रहा है, मास, एक दो तीन चार चेंज कर सकते हैं हम लोग, तो मास पे डिपेंड कर रहा है हीट, यस और नो। दूसरा, हीट डिपेंड किस पे कर रहा है, चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर, डीटी ले दूं, कितना बढ़ाना है, ये तो बस बोला हम, तो बोला एक बढ़ाना है, तो हो सकता है दो बढ़ाना पड़ जाए कहीं पे, किस पे डिपेंड कर रहा है, चेंज इन टेम्परेचर पे। तो दोनों को लिख सकता हूं, क्यू प्रोपोर्शनल टू एम इंटू डीटी, यस और नो। वही साइन को हटाने के लिए क्या डालते हैं, कॉन्स्टेंट, तो क्यू इज इक्वल टू CmdT वेयर C, इसको नाम क्या दिया गया, स्पेसिफिक हीट, क्या नाम दिया इसको, स्पेसिफिक हीट, समझ में आया। अब जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई वो क्या बोलती है, मैं बोला कि मास वन कर दूं, चेंज इन टेम्परेचर को मैं वन कर दूं, ये सर ना, तो लिख सकता हूं कि क्यू इज इक्वल टू सी होगा, वन इंटू वन। अब डेफिनेशन यहां से है, देखिए द स्पेसिफिक कौन सी होती है,
स्पेसिफिक फीट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास सब्सटेंस अबाउट यूनिट डिग्री वी। यहां से आई है डेफिनेशन। मेयर्स फॉर्मूला जल्दी से करते हैं, बेल होने को है। हो गया अभी लिखिए। पिस्टन पिस्टन यूज कर रहे हैं तो सिंपल कराएंगे। चलो लिखो फिर, लिखिए। कंसीडर वी हैव वन मोल ऑफ आइडियल गैस। कंसीडर वी हैव वन मोल ऑफ आइडियल गैस इनटू ए सिलेंडर हैविंग पिस्टन आगे लिखिए PVT are the initial प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। समझ में आया? अब हीट की जरूरत पड़ेगी भी। अभी सारा अरेंजमेंट उस पिस्टन में है, अब कितना हीट चाहिएगा किसी यूनिट मास को क्या करने के लिए, चेंज करने के लिए इसका टेम्परेचर। तो पहला पॉइंट डालिए फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, तो dV कितना हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए? V कितना होगा कांस्टेंट भाई? यस आर नो? और dV कितना हो जाएगा? जीरो। कर पाओगे? और कितना हीट का जरूरत पड़ा भी? dQ इज इक्वल टू, कैसे लिखोगे बातें नहीं, CV कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, मास अभी भी वन है और टेम्परेचर कितना है, चेंज इन टेम्परेचर वन है भाई, इसको भी dT ले लेते हैं अभी। कर पाओगे? तो dQ इज इक्वल टू कितना हुआ? CV dT। कुछ अलग नहीं है, चीजें वही हैं सारी, ठीक है भाई। तो फर्स्ट लॉ को अगर अप्लाई करें हम लोग, फ्रॉम फर्स्ट लॉ भी, फर्स्ट लॉ क्या था? क्या था फर्स्ट लॉ बताओ जल्दी से। dQ इज इक्वल टू dU प्लस PdV, यस और नो? ठीक है, CV dT, यस और नो? कितना वैल्यू था? CV dT। dU में कोई चेंज नहीं हुआ, dU लिखा है सही। ओके, dV कितना था? जीरो। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dU? CV dT। समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एनी प्रॉब्लम क्लास? ये जीरो हो गया भाई, कर पाओगे? अब लिखिए सेकेंड पॉइंट इसका भी, रब कर दे भी इसको नीचे वाले को। सेकेंड पॉइंट है एट कांस्टेंट प्रेशर भी, दोबारा करते हैं वही वाला पॉइंट हम लोग। एट कांस्टेंट प्रेशर अब पहले में मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया, अब कर रहे हैं प्रेशर का कांस्टेंट। पता नहीं हीट पे क्या फर्क पड़ेगा भाई, मेरे को भी पता नहीं है इसका। टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा मेरे को पता नहीं है, वर्क पे क्या फर्क पड़ेगा कोई पता नहीं हमको। तो क्या कर लेते हैं, उनकी वैल्यू चेंज कर लेते हैं। कैसे? फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग भी क्या लिखें? फ्रॉम फर्स्ट लॉ भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी क्यू डैश इज इक्वल टू डी यू डैश प्लस डी डब्ल्यू डैश, और तो बराबर भी हो जाए क्या पता भी, हम तो मान रहे हैं बराबर नहीं है, बराबर भी हो सकते हैं क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर लोगे? ये डी क्यू था पहले, अब क्यू डी क्यू डैश डाल रहा हूँ इसकी जगह पे मैं, ये डी यू डैश, ये डी डब्ल्यू डैश, यस और नो? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी क्यू डैश? कितना कांस्टेंट किसके लिए है? प्रेशर के लिए, सीपी। मास कितना यूज कर रहा हूं? वन। चेंज इन टेम्परेचर भी कितना है? डी टी है, स्मॉल चेंज वन के लिए कर रहे हैं हम लोग। कर पाओगे? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी क्यू डैश? सीपी डी टी। एनी प्रॉब्लम भाई? हो जाएगा। दूसरा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी यू डैश?
दोनों कंडीशन में कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर एक चीज कांस्टेंट है भाई, दोनों में टेम्परेचर डीटी है, चेंज वन ही किया हम लोगों ने, यस और नो? अगर दोनों में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? बराबर होती है भाई। अगर टेम्परेचर सेम है इंटरनल एनर्जी क्या है? सेम है। इट टोटल डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर्स भी। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, देखिएगा, डी यू डैश इज इक्वल टू डी यू। मेरी इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो सकती है? पहले वाले के बराबर है भाई, क्योंकि पहले का टेम्परेचर वही है अब जो आपका है। कर पाओगे? यस और नो? और डी डब्ल्यू डैश सिंपल है भाई, पी डी वी। पी तो सेम रखा है, कांस्टेंट प्रेशर। डी वी पहले जीरो था, अब जीरो नहीं हो सकता, मे भी ना भी हो भाई, मैंने डी वी लिख दिया इसलिए इसको वैल्यू को। एनी प्रॉब्लम क्लास? ठीक है, तो इसको पूरा करते हैं टॉपिक को, अभी 5 मिनट लगेंगे। इसमें पुट करते हैं इस क्वेश्चन में भी। तो क्या क्वेश्चन बनेगी? डी क्यू पुटिंग दिस इक्वेशन, डी क्यू डैश कितना है? सी पी डी टी इज इक्वल टू डी यू कितना है? डी यू डैश किसके बराबर है? डी यू के प्लस डी डब्ल्यू डैश पी डी वी। एनी प्रॉब्लम भाई? इट इज इक्वेशन सेकेंड भी। इसमें डी यू है भी और डी यू फर्स्ट में भी है, ठीक है। क्या मैं डी यू पुट कर सकता हूँ सेकेंड में? पुट वन इंटू टू, वन को टू में पुट कर दो भाई, टू कितनी है? सी पी डी टी इज इक्वल टू डी यू किसके बराबर है? डी यू दे रहा, सी वी डी टी इज प्लस पी डी वी। यस आर नो? यहाँ पे ले आऊँ तो क्या लिखोगे? सी पी डी टी माइनस सी वी डी टी इज इक्वल टू पी डी वी। कॉमन क्या रहा है दोनों में? डी टी कॉमन है, तो सी पी माइनस सी वी इंटू डी टी इज इक्वल टू पी डी वी। यस और नो? फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन भी क्या था? पी वी इज इक्वल टू आर टी वी। पी वी इज इक्वल टू आर टी। क्या इस इक्वेशन का डेरिवेटिव कर सकते हो? क्योंकि मेरे को डी वी की टर्म में चाहिए आंसर सारा। लिखिए डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन भी, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। अब मैंने किसके रिस्पेक्ट में नहीं बोला, तो क्या है ये? पार्शियल डेरिवेटिव है। डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, कुछ याद है? u इंटू वी का फॉर्मूला बन रहा है अभी, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। यस और नो? इज इक्वल टू r, तो कांस्टेंट है, r इंटू डी टी। यस और नो? समझ में आ रहा है? और आपने बोल रखा है कि p कांस्टेंट है मेरा भाई, सेकेंड टाइम में बोल रखा है ना, p कांस्टेंट है, तो व्हाट इज द डेरिवेटिव कांस्टेंट वैल्यू? जीरो, ही जीरो हो गया। यस और नो? तो मैं लिख सकता हूँ कि मेरा पी डी वी इज इक्वल टू आर डी टी के बराबर है। यस और नो? क्या मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ इसको? तो कितना आएगा? पुटिंग इन द अबो इक्वेशन, लिखिएगा पुटिंग इन द अबो इक्वेशन कितना होगा भाई? सी पी माइनस सी वी इंटू डी टी इज इक्वल टू पी डी वी की जगह क्या रख दूँ? आर डी टी। सही लिखा है? आर डी टी, डी टी से डी टी काट दूं, तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू क्या हो गया? आर। दिस इज द मेयर फार्मूला। लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अपने फर्स्ट लॉ पढ़ा, फार्मूला क्या था भाई? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यस और नो? तो पहला लिमिटेशन क्या लगता है आपको, बताइए जल्दी से मेरे को, इसमें ये हीट कहां से आई है? ये बोला मैंने, मैं बोला कि हीट है। यस और नो? मैं बोला कि हीट दे रखी है, हीट का सोर्स क्या है अभी मेरे को पता नहीं चल रहा है यहां से। यस और नो? फर्स्ट लॉ का प्रॉब्लम क्या है? ये हीट कहां से आ रही है भाई, मेरे को पता ही नहीं चल रही। ओके
तो पहला पॉइंट डालिए, दिस लॉ डज नॉट गिव, फर्स्ट पॉइंट, दिस लॉ डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन अबाउट, एनी इंफॉर्मेशन अबाउट सोर्स ऑफ हीट, सोर्स ऑफ हीट, कि हीट का सोर्स क्या है, मेरे को पता नहीं चलेगा अभी यहां से भी। ये बोलता है कि हीट गिवन टू द सिस्टम, ड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम, अरे कहां से आई है हीट सिस्टम के पास, बताई किसी ने, नहीं बताई गई, यस और नो। सेकेंड पॉइंट भाई, हमें ये नहीं बताया गया कि हीट ट्रांसफर कैसे हो रही है, यहां पे हाई टेम्परेचर लो पे जा रही है कि लो से हाई पे जा रही है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हम पे इस चीज की, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हीट ट्रांसफर कैसे हो रही है। किसने बताया, अब तो मैंने बताया आपको हीट ट्रांसफर होती है हाई से लो पे, प्रूव किया है बात नहीं किया, हम तो प्रूफ मानते हैं, हम पता हमको ये बात हो रही है। मैं भाई उल्टा भी कराऊंगा, मैं पानी की बाल्टी में बर्फ डालूंगा और पानी गर्म हो जाएगा, अभी मैं वो भी तो करवाना चाहता हूँ, पानी की बाल्टी में बर्फ डालूंगा और पानी उबलने लग जाए, अभी गर्म हो जाए 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, मैं वो करवाना चाहता हूँ उल्टा। नॉर्मल तो सारे कराते हैं, कमेस्ट फ्लाइव कराते हैं नॉर्मल तो, अरे वही तो करवाना है नेक्स्ट थोड़ा सेकेंड ला, वही तो है ड्राई आइस से क्या होगा, गर्म हो जाएगा, ठंडी आइस से आई बर्फ होती है आइस तो भाई, और CO2 होता है, कौन बोल रहा है बर्फ जलाते हाथों को, बर्निंग बाई आइस सुना है नहीं सुना, सर्दियों में आपके हाथ जम जाते हैं वो बर्निंग होती है हीट आपकी कोल्डनेस से भी, क्या बोलते हैं उसको, हाइपोथर्मिया बोलते हैं उस प्रोसेस को, आपके हाथ बॉडी पार्ट काम करना बंद कर देते हैं उस पॉइंट के ऊपर, बर्फ जला देती है आपके हाथ को कोल्डनेस की फॉर्म में, जना मतलब कि आपके सेल को खत्म करना भाई, क्या सर ना। सेकेंड पॉइंट डालिएगा, सेकेंड पॉइंट है दिस लॉ डज नॉट गिव, दिस लॉ डज नॉट गिव डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी, दिस लॉ डज नॉट गिव डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, कि हीट फ्लो कैसे हो रही है, इसकी डायरेक्शंस क्या है पता नहीं चलता मेरे को भी, कर लोगे। थर्ड पॉइंट भी, थर्ड पॉइंट में क्या, देखिए मैंने देखो हीट से ये आए हैं, हीट दिया तो ये बने, इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ, वर्क डन हुआ, मेन प्रॉब्लम किसका है, हीट का है तो है, यस और नो। अब ये था डी क्यू क्या था, स्मॉल हीट, ये था स्मॉल वर्क, सॉरी स्मॉल एनर्जी, स्मॉल वर्क कितना स्मॉल भाई बताया नहीं, स्मॉल किसी लिए इतना स्मॉल, किसी लिए इतना स्मॉल भाई, हर एक के लिए स्मॉल का वैल्यू अलग होता है, यस और नो। इसको बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ हीट भी, कितना स्मॉल है, कितना चेंज करना है मेरे को पता नहीं चल रहा है अभी यहाँ से, चेंज तो हुआ है कितना हुआ मेरे को पता नहीं चलेगा, यस और नो। थर्ड लिखिएगा, थर्ड पॉइंट डालिए, दिस लॉ डज नॉट गिव एनी आइडिया, दिस लॉ डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट एक्सटेंट ऑफ चेंज। नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक क्या था, जब सिस्टम चेंज होके वापिस किसी में आ जाए, उसकी इनिशियल स्टेट पे वापिस आ जाए भाई, उसको क्या बोलते थे हम लोग, साइक्लिक प्रोसेस भी। इस दौरान क्या कॉन्स्टेंट रहता है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, इंटरनल एनर्जी क्या रहती है कॉन्स्टेंट, यस और नो। तो लिखिए पहला पॉइंट डालिएगा, साइक्लिक प्रोसेस, लिखिए साइक्लिक प्रोसेस, लिखो द प्रोसेस इन विच, द प्रोसेस इन विच सिस्टम रिटर्न्स, द प्रोसेस इन विच सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट, सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स
इनिशियल स्टेट, वो अपनी इनिशियल स्टेट में क्या आ जाए, वापिस आ जाए अभी, यस और नो? उसको क्या बोलते हम लोग, साइक्लिक प्रोसेस। डायग्राम की फॉर्म में बना सकते हो, को सिस्टम ए था, चेंज होके क्या बन गया, सिस्टम बी बन गया, वापिस बी को चेंज किया गया, इट कन्वर्ट इन टू सिस्टम ए अगेन, इट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस भी, यस और नो? तो लिखिए सिंपल, इसी के अंदर लिखिएगा, इन साइक्लिक प्रोसेस, इन साइक्लिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी इज कॉन्स्टेंट भी, इन साइक्लिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी इज कॉन्स्टेंट, इंटरनल एनर्जी क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है भी, यस और नो? बस इतना ही था, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सेकेंड डालिएगा, नॉन साइक्लिक प्रोसेस, सेकेंड पॉइंट है नॉन साइक्लिक प्रोसेस, नॉन साइक्लिक इसके उल्टा होगा भाई, वो कभी भी सिस्टम कभी अपनी इनिशियल स्टेट पे वापस नहीं आ सकता, यस और नो? इट इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक प्रोसेस। देखिए, इन दिस प्रोसेस सिस्टम डज नॉट रिटर्न्स, सिस्टम डज नॉट रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट, सिस्टम डज नॉट रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट, ओके? इसमें इनिशियल स्टेट पे वापस नहीं आता, क्या बोलते हैं इसको, नॉन साइक्लिक प्रोसेस। इसमें